शांति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य दिनांक 30 मई 1974। रूहानी सेवा में बाप के सदा सहयोगी और एवर रेडी बनो। सर्व आत्माओं को नॉलेज की लाइट माइट देने वाले लाइट हाउस और माइट हाउस सर्व के शुभचिंतक तथा रूहानी सेनापति श्री बाबा बोले, युद्ध स्थल पर उपस्थित योद्धे सर्व शास्त्रों से श्रृंगारे हुए एवर रेडी, एक सेकंड में किसी भी प्रकार के ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले क्या सदा विजयी अपने को समझते हो? अभी अभी ऑर्डर हो कि दृष्टि को एक सेकंड में रूहानी या दिव्य बनाओ कि जिसमें देह के अभिमान का जरा भी अंश मात्र न हो और संकल्प मात्र में भी न हो, तो क्या समय को ऐसा बना सकते हो? या बस बनाने में समय लगाएंगे? अगर एक सेकंड में 2 सेकंड भी लगाए तो क्या उसे एवरेडी कहेंगे? ऑर्डर हो कि अपनी श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर इस अन्य आत्मा की स्मृति को परिवर्तन करके दिखलाओ, तो क्या ऐसे एवरेडी हो? ऑर्डर हो कि वर्तमान वायुमंडल को अपनी ईश्वरीय वृत्ति से अभी अभी परिवर्तन करो, तो क्या कर सकते हो? ऑर्डर हो कि अपनी वर्तमान सर्वशक्तिवान स्थिति से किसी अन्य आत्मा की परिस्थिति वश स्थिति को परिवर्तन करो, तो क्या आप कर सकते हो? ऑर्डर हो कि मास्टर रचता बन अपनी रचना को शुभ भावना से व शुभ चिंतक बन भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो तथा महादानी और वरदानी बनो, तो क्या सर्व को संतुष्ट कर सकते हो? या तो कोई संतुष्ट होंगे और या कोई वंचित रह जाएंगे। सर्व शक्तियों के भंडारे से क्या समय को भरपूर अनुभव करते हो? क्या सर्व शास्त्र आपके सदा साथ रहते हैं? क्या सर्व शस्त्र आपके सदा साथ रहते हैं? सर्व शस्त्र अर्थात सर्व शक्तियां अगर एक भी शस्त्र या शक्ति कम है, वह कमजोर है, तो क्या वह एवर रेडी कहला सकेंगे? जैसे बाप एवर रेडी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न है, तो क्या वैसे फॉलो फादर हो? वर्तमान समय बाप के सहयोगियों का ऐसा एवर रेडी ग्रुप चाहिए हर एक ग्रुप की कोई न कोई निशानी व विशेषता होती है ना।
तो ऐसे एवरेडी ग्रुप को निशानी क्या है, क्या जानते हो? लौकिक मिलिट्री को तो निशानी देखी होगी। बाबा ने मिलिट्री से रानी मिलिट्री की निशानियाँ होती हैं ना, हर एक ग्रुप का मेडल अपना अपना होता है, स्टार लगे होते हैं ना उनको, किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार, किसी को पांच। तो इस रूहानी मिलिट्री का या एवरेडी ग्रुप का मेडल कौन सा है? क्या यह स्थूल बैज है? यह तो सर्विस का सहज साधन है और सदा साथ का साधन है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप का मेडल व निशानी है विजयमाला। एक तो विजयमाला में पुरोने वालों का है एवरेडी ग्रुप, इसी निश्चय और नशे में सदा विजय की माला पड़ी हुई होती है, सदा विजय, यही माला पहली निशानी है। ऐसे एवरेडी बच्चे इसी समृद्धि से सदा श्रृंगारी हुए होंगे। दूसरी निशानी सदा साक्षी और सदा साथीपन के कवचधारी होंगे। सर्वशक्तियाँ ऐसे एवरेडी के हर समय ऑर्डर मानने वाली सिपाही व साथी रहेंगी। ऑर्डर किया और हर शक्ति जी हजूर करेगी। उनका मस्तिष्क सदा मस्तक मणि और आत्मा की झलक से चमकता हुआ दिखाई देगा। उनके नैन रूहानी लाइट और माइट के आधार से सर्वात्माओं को मुक्ति और जीव मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने हुए होंगे। उनका हर्षित मुख अनेक जन्मों के अनेक दुखों को विस्मृत करा एक सेकंड में अन्य को भी हर्षित बना देगा। क्या ऐसा एवरेडी ग्रुप है? मैं विजय की माला गले में है, अथवा और युक्तियां औरों से लेते रहते हो, या शस्त्रों को किनारे कर समय पर शस्त्रों की भीख मांगते रहते हो? ये शक्ति दो, ये सहयोग दो, वह ये आधार प्राप्त हो, यह संकल्प करना भी भीख मांगना है। ऐसे भिखारी महादानी वरदानी कैसे बन सकेंगे? भिखारी भिखारी को क्या दे सकता है? अपने को देखो, क्या एवरेडी ग्रुप के योग्य बने हैं? ऐसे नहीं कि ऑर्डर करें एक और प्रैक्टिकल हो दूसरा। ऐसे कमजोर तो नहीं हो ना? अभी फिर भी कुछ गैलप करने का चांस है, अभी किसी भी ग्रुप में अपने को परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद गैलप करने का समय भी समाप्त हो जाएगा। और जिन्होंने जैसे और जितना पुरुषार्थ किया है वहाँ ही रह जाएंगे। फिर चाहे कितनी भी एप्लीकेशन डालो लेकिन मंजूर नहीं होंगी।
मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा फिर भी कुछ समय पहले वार्निंग दे रहे हैं, जिससे के पीछे आने वालों का भी बाप के प्रति कोई उलाना नहीं रहेगा। इसलिए सेकंड सेकंड व हर संकल्प के महत्व को जान, अपने को महान बनाओ। परखने की शक्ति का समय के प्रति और सेवा के प्रति प्रयोग करो, तब ही समय की कमजोरियों को मिटा सकेंगे और सर्व के प्रति उन्हों को इच्छा पूर्वक संपन्न कर महादानी और महावरदानी बन सकेंगे। अच्छा, ऐसे सदा शुभ चिंतक, सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, सदा मस्तक मणि द्वारा सर्व आत्माओं को नॉलेज की लाइट देने वाले, वह सदा लाइट और माइट हाउस, बाप दादा के सदा सहयोगी, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। मुरली का सार बाबा ने दिया, सदा साक्षी और सदा साथीपन के कवचधारी बच्चे, सर्व शक्तियाँ ऐसे एवरेडी रहेंगे जो हर समय ऑर्डर मानने वाली सिपाही वह साथी रहेंगी। ऑर्डर किया और हर शक्ति जी हजूर करेगी। उनका मस्तक सदा मस्तक मणि अर्थात माया की झलक से चमकता हुआ दिखाई देगा। ओम शांति, ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य दिनांक